मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज की क्लास में हम अपने आगे के जो पुनरावृत्ति जो हमारा पार्ट चल रहा है पुनरावृत्ति जिसको रिवीजन भी कहते हैं उसका हमारा प्रश्न आज मैं आपको करवाऊंगी प्रश्न 11 से। ठीक है, 10 तक हमारे प्रश्न हो गए पूरे, मैं 11 से करवाऊंगी। नीचे लिखी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में हमारा प्रश्न जो है 11 वो है, उसमें हमें संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखना है तो प्रश्न सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। 705, 965, 700 और 956। एक और प्रश्न लिख लेते हैं इसके बाद हम उसका हल करेंगे। 906, 609, 690, 796। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं को छोटे से बड़ी की ओर लिखना। संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? आरोही क्रम में संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं। छोटे से बड़े की ओर लिखने का मतलब होता है सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम सबसे छोटी संख्या लिखने के बाद उससे बड़ी संख्या देखते हैं। ठीक है, फिर जो हमारे दूसरी नंबर पर जो संख्या आई है उससे भी बड़ी हम संख्या को लिखते हैं। इस तरीके से हम प्रश्न को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये 705 है, ये 965 है और इसमें 700 है और लास्ट जो संख्या है वो 956 है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या कौन सी? 700। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले 700, उसके बाद हम लगाएंगे इस तरीके का चिन्ह। इसका मतलब होता है अब जो भी संख्या आएगी इससे बड़ी आएगी तो हर एक संख्या के बाद इसी तरीके का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 705। फिर वापस हम इसी तरीके का चिन्ह लगाएंगे। फिर इससे बड़ी जो संख्या है वो 956 और फिर लास्ट में जो संख्या है आखिरी संख्या वो होगी 965। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले वो लिखेंगे और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें है 609, फिर उसके बाद 690 आ रही है सबसे बड़ी संख्या, फिर 796 और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या है 906। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके से प्रश्न हमारा 12वां है, 12वां प्रश्न है, इसमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब होता है सबसे बड़ी, इसका उल्टा ही होता है। इसमें क्या होता है, अवरोही क्रम में सब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखते हैं, यानी सबसे इसको उल्टा कर दो आप। जैसे अवरोही क्रम में अगर आपको इसी प्रश्न को अवरोही क्रम में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? 965, फिर 956, फिर 705 और लास्ट में 700। बस जो चिन्ह लगाते हैं चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से लगता है 965 फिर 956, क्योंकि सारे जो होंगे ना नंबर वो एक दूसरे से बड़े होंगे। ठीक है, इसलिए तो ये प्रश्न आप खुद करेंगे। ओके, प्रश्न हमारा जो 13वां है वो है छायादार भाग के लिए भिन्न सामने बने बॉक्स में लिखे। इसमें हमें भिन्न में लिखना है। तो जो हमारा प्रश्न है प्रश्न 13, उसमें मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमें भिन्न में लिखना है और जो भिन्न में लिखना है लेकिन कैसे बना हुआ है जो प्रश्न की ऐसे ठीक है। तो इसका भिन्न क्या होगा? 1, 2, 3 कितने छायादार भाग है? 3 भाग है जिसमें ऐसे छाया करी हुई है। छाया का मतलब ऐसे ऐसे भरे हुए हैं, 3 बॉक्स भरे हुए हैं, तो इसको लिख दिया। और कुल मिलाकर कितने बॉक्स है? 1, 2, 3, 4। जो कुल बॉक्स की संख्या या कुल जो भी चीज़ होती है उसको नीचे लिखते हैं और जिसमें छाया भाग छायादार जो भाग होता है उसको काउंट करके उसको गिनकर ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये भिन्न में लिखना होता है 3/4।
इसी तरीके से आपको प्रश्न छह करना है। और प्रश्न चौदहवा है, उसमें है खाली स्थान भरिए। इसमें क्या करना है आपको, खाली स्थान भरना है। और प्रश्न जो आ जाते हैं वो है 50 रुपये का एक नोट। देखो आपके पास समझ लो 50 रुपये का एक नोट है और 10-10 रुपये के डैश नोट। तो 10-10 रुपये के कितने नोट होंगे, 50 रुपये का कितना नोट है, प्रश्न 14। प्रश्न मैं आपको समझाने के लिए बता, एक नोट कितने का है, 50 रुपये का। एक नोट 50 रुपये का, तो 50 अगर आप किसी को देते हो और उसकी जगह कहते हो कि मुझे 10-10 रुपये की नोट दे दो, 50 रुपये की जगह, तो क्या हो जाएंगे, कितने नोट हो जाएंगे, 10, 10 दूना 20, 30, 30, 40, 50, कितने नोट हो जाएंगे, 10-10 रुपये के 5 नोट, 10 रुपये के 5 नोट मिलकर 50 रुपये का नोट बनेगा। तो इसमें कितना आएंगे, 10-10 रुपये के कितने नोट आएंगे, इसमें 5 नोट, क्या आएंगे, 5 नोट। आपको इसको कैसे करना है, प्रश्नों को आपको हल करने के लिए इसमें 10-10 रुपये, बाद में जो संख्या लिखी है उसको छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या देना है, भाग देना है। 10 में इसको 50 से भाग दे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 नोट हो जाएंगे। प्रश्न ख, 100 रुपये का एक नोट वो 20-20 रुपये के, तो 20 को 100 से भाग देंगे तो 20 के पहाड़े में 100 कितनी बार आता है, 5 बार। तो इसमें भी 20-20 रुपये के कितने नोट होंगे, 5 नोट। तीसरा है ग, उसमें 3.50 रुपये को पैसे में गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 3 × 100 तो हो जाएगा 300, और 50 को पैसे हैं तो 350 पैसे हो जाएंगे। यहाँ पे इसे फिलिंग ये खालिस्तानी भरना है, इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अगर आगे क्वेश्चन पूरा अच्छे से करने के लिए आएंगे तो मैं आपको और समझा दूँगी, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन 15 में आपको जोड़ना और घटाना है, तो ये आप खुद करेंगे। तो प्रश्न आपको 15 तक, आपको 11 से 15 तक की अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।